ग्रोह जो है वो इनकी उनसे ताल्लुक था, एक ग्रोह से ताल्लुक नहीं था, मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं जो लश्कर जो है जो रेज हुए हुए हैं उनसे ताल्लुक था। तो इस सिलसिले में CTD में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है, वो जबान पार्क में जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है, वहाँ पे बेगुनाह अफराद हॉस्टेज बने हुए हैं KP के सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, और हुकूमत जो है वो यरगमाल जो है इमरान खान ने बनाई हुई है। 9 साल से उनकी वहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे जब भी को मुश्किल वक्त आया है, वहाँ पे सैलाब आया तब भी जो है वो फेलियर हुआ, और अब जो है ये अटर फेलियर है ये जो सूबाई हुकूमत का जो पिछले 3 दिन से वहाँ पे सिलसिला चल रहा था, और अल्टीमेटली हमारी अफवाज ने वहाँ पे यरगमाल जो है रिहा करवाए, दहशतगर्द भी जो है वो मारे गए, और कुर्बानियाँ भी हमारे वहाँ पे अफवाज ने दी हैं इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। इसमें सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है, ये फेलियर है वहाँ पे सूबाई हुकूमत का, और ये फेलियर है 9 साल का फेलियर है, कोई 6 महीने या 1 साल से वहाँ पे हुकूमत नहीं है। उनके फंड्स जो है, उनके हेलीकॉप्टर जो है, हर चीज़ जहाज जो है वो इमरान खान इस्तेमाल करता है। 4 भाई जो है वहाँ पे पत्थरों पे खड़े जो है नज़र हो गए, सैलाब की नज़र हो गए, दरिया की लहरों के नज़र हो गए, लेकिन हेलीकॉप्टर ना वहाँ पे पहुँचा, और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि यहाँ पे हुक्मरानी करेगा इस मुल्क में दोबारा, ताकि अगर तबाही में कसर रह गई है वो कसर पूरी कर सके। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है KP की हुकूमत का। कहाँ है हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त? वहां पे एक क्राइसिस चल रही थी और चीफ मिनिस्टर जो है वो यरगमाल बना हुआ था इमरान खान का। तो मैं जनाब स्पीकर, मैं एक तो ये ब्रीफिंग देना चाहता था, और साथ जो हालत ज़ार है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की उस पर रोशनी डालना चाहता था। मुझसे बार भी पूछा मीडिया ने, तो मैंने कहा मैं फ्लोर के ऊपर ये स्टेटमेंट दूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ख्वाजा साहब।